बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यार इसको यूं भी पूछा जा सकता है, शो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल ऑफ आर, वेयर डेल वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डेल ऑफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। या यू पूछा जा सकता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या यू भी पूछा जा सकता है, शो दैट ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। अच्छा बच्चों, ग्रेडियंट का थोड़ा सा समझ लें। किसी भी स्केलर क्वांटिटी में चेंज आए विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, तो बेटा उस चेंज को विद रेस्पेक्ट टू स्पेस आप ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी चेंज इन अ क्वांटिटी, चेंज इन अ स्केलर in a scalar quantity divided by with respect to space is equal to gradient of that scalar beta। किसी भी क्वांटिटी में चेंज का जहां तक तल्लक है तीन तरह से आ सकती है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पीड। टाइम के लिहाज से जिस तरह वेलोसिटी एक्सेलरेशन में तुम चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग, स्पेस के लिहाज से चेंजिंग का मतलब लेट्स से यहाँ पर किसी बॉडी को रखें उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रही, यहाँ रखें कम लग रही, दिस चेंज इज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। अब बेटा जगह चेंज करने से किसी भी स्केलर क्वांटिटी में चेंज आए तो वो चेंज स्केलर क्वांटिटी में, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस इज इक्वल टू विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस को आप आर से लिख सकते हैं, एक्स से लिख सकते हैं, वाई से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। बेटा वेक्टर में चेंज आए विद रेस्पेक्ट टू स्पेस तो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वो एक अलग इशू है। तो यहां पर स्केलर में अगर चेंज आए विद रेस्पेक्ट टू, यानी डेल बाय डेल ऑफ आर इज ग्रेडियंट प्रोवाइडेड दैट ये जो चेंज है ये किस में हो, स्केलर में। तो बेटा वोल्टेज क्या है, स्केलर है। वोल्टेज में चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस is known as gradient of voltage and that is equal to multiply minus V is equal to E, and electric field intensity is equal to negative rate of change of negative time gradient of voltage negative time space rate of change of space rate, इसको आप ये कह सकते हैं space rate of change of voltage। वोल्टेज में चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस दैट इज स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। तो लिहाजा ये अब हमें प्रूव करना है। तो ये था ग्रेडियंट से रेलिवेंट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए वही पिछला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक से सपोजिशन कर लेते हैं दोबारा, सेम वही हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है, याद रखना मेरे बच्चों अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। पता चला अगर हम इस सेटअप के लिए ये प्रूव कर रहे हैं तो ग्रेडियंट का ये फार्मूला भी एप्लीकेबल होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है ऑलवेज। ये हमने
इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज स्टेट वाले टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो बेटा ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट ए आ गया हमारे पास, और हमने ए से बी तक लाए चार्ज को, और चार्ज पे क्या किया हमने, वर्क डन किया फ्रॉम ए टू बी, और पर यूनिट चार्ज इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस लेट से हम कह लेते हैं डी कह लेते हैं, फिर आप बाद में इसको डेल ऑफ आर कह लेंगे। ए और बी पॉइंट के दरमियान, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ए है, बी पॉइंट पे बी बी है। बेटा मैंने जो चीजें रिक्वायर्ड सपोज करनी थी ले ली, पॉइंट ए और पॉइंट, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज बी ए, ए से लेके बी तक डिस्टेंस डी, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक मूव करवाया जबकि बी पे वोल्टेज है बी बी, वर्क डन करना पड़ा डब्ल्यू ए बी, तो देन वी नो दैट डेल ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाय डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब वर्क कितना करना पड़ा, वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। बेटा आप इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वो फोर्स है जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ मूव करवा के लेके, और एक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इधर लग रही है। दो अगर ये इक्विलिब्रियम में रह के चार्ज इधर मूव करके आए तो जितने आपने ये फोर्स लगाई इतनी फोर्स अपोजिट लग रही, जितना वर्क आपने इधर आते हुए किया इतने वर्क नेगेटिव वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्चुअली डायरेक्शन ये है डिस्प्लेसमेंट की, ये थीटा के आ गया यहाँ पे 180 डिग्री, और फोर्स के लिए फार्मूला बच्चों E is equal to हमने पढ़ा हुआ F by Q, Q की जगह यहाँ Q ना डाल जाएगा तो F हो जाएगा यहाँ पे E Q, हमने क्या कहा कि थीटा तो 180 है बिकॉज फोर्स इलेक्ट्रिक इधर लग रही है जबकि डिस्प्लेस इधर हो रही है बॉडी, और दूसरी बात क्या है थीटा 180 है तो डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां से फोर्स हो जाएगी ई एन टू क्यू। तो बेटा इक्वेशन 2, 3 और 4 से वैल्यू पुट कर दें 2 में तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन आ जाएगा फोर्स की जगह ई क्यू नॉट, डी की जगह डी रहेगा कॉस ऑफ 180, और cos ऑफ 180 किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा -EQ0 into D बर्डन फ्रॉम ए टू बी। सो कितना वर्क करना पड़ा ए से बी तक को हमने कैलकुलेट कर लिया, पुट कर दें ये वैल्यू फ्रॉम 5 इन इक्वेशन 1 भी है, 5 से 1 में पुट कर दें तो डेल ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा माइनस ई क्यू नॉट डी डिवाइडेड बाय डी, सॉरी ई क्यू नॉट, अच्छा बच्चा यहाँ एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है वर्क डन पर यूनिट चार्ज था डिवाइड बाय डी नहीं था, तो बेटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डिवाइड बाय क्यू नॉट आ जाएगा, यानी ये जो हमारे पास फार्मूला था डेल वी इज इक्वल टू वर्क बाय पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाय क्यू नॉट, तो हमने ये वर्क की वैल्यू बनाई इसे पुट की तो क्यू नॉट अपनी जगह पे वर्क की जगह माइनस ई क्यू नॉट इनटू डी। बेटा क्यू नॉट से जब कट जाएगा तो डेल वी हमारे पास बचेगा माइनस E into D, E को और माइनस D को और माइनस पे कर लेके जाएं तो माइनस डेल V by D is equal to E, तो यहां से E is equal to माइनस डेल V by D। अगर बेटा ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो तो D को आप क्या कह सकते हैं, D will be equal to डेल ऑफ R,
तो पुट कर दूं तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, हेंस वी हैव प्रूव्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर. ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन ये रिलेशन वैलिड है बेटा ऑनली जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो. अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये आपने प्रूव कर लिया. इससे